हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स एंड दिस इज प्रभात। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। भाई जैसा कि मैंने आप सारे बच्चों से प्रॉमिस किया था कि हर साल की तरह इस साल भी इंडिया के जितने भी एग्रीकल्चर कॉलेज यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन होगा उन सारे कॉलेज की अपडेट आपको एग्री अपडेट्स पे मिलती रहेगी। तो भाई आज हम लोग हाजिर हैं एक नए कॉलेज के साथ, एक नई यूनिवर्सिटी के साथ, जहां पे आप सभी के एग्रीकल्चर और एलियार्ड कोर्सेज में डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ योर एनटीए सीयूईटी स्कोर एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर 10+2 मेरिट स्कोर। तो भाई बात कर रहे हैं चौधरी सरवर कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के बारे में, सीएसके एचपीके भी इसका शॉर्ट नेम है। आप सारे बच्चों ने इसका नाम कहीं ना कहीं सुना होगा और ये इंडिया की टॉप 10 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अपना पोजीशन कायम रखती है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि यहां पे डायरेक्ट एडमिशन कैसे होगा, क्या प्रोसेस है एडमिशन का, क्या प्रोसेस है, कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कितनी सीटें हैं, क्या फी रहने वाला है और कैसे आपको सीयूईटी के स्कोर पर, कैसे आपको 10+2 स्कोर पे एडमिशन मिलेगा, किस कोर्स में 10+2 के बेसिस पे और किस कोर्स में मेरिट बेसिस पे, ये सब कुछ बच्चों आज के सेशन में क्लियर करने वाला हूं। लास्ट टाइम हम लोगों ने डॉक्टर वाईएस परमार को कवर किया था और इस बार हम लोग वीडियो में कवर करने वाले हैं चौधरी सरवर कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के बारे में। तो आई नो कि आप सारे बच्चे इस कॉलेज के बारे में भली बातें जानते होंगे कि क्या कॉलेज का सीन है। बात करूं अगर कॉलेज के रैंक के बारे में तो कॉलेज बच्चों आईसीएआर की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है और यहां पे आपको एग्रीकल्चर एंड उसके एलियार्ड ब्रांचेज में डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ 10+2 स्कोर एंड ऑन द बेसिस ऑफ सीयूईटी यूजी आईसीएआर स्कोर। तो सब कुछ कंप्लीट से बात करेंगे। इसके पहले मैंने बता दूं आप सभी को कि हमने पिछले साल 5 से 6 कॉलेज को कवर किया था और इस साल का हमारा टारगेट है कि 10 कॉलेज को कवर करेंगे। बच्चों एडमिशन का प्रोसेस कैसे होगा ये सब कुछ मैं डिटेल से बात करूंगा, लेकिन अगर आप सभी को किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है तो आप हमारी पेड काउंसलिंग को ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। आप लोग देख पाओगे यहाँ पे एडमिशन नोटिस आ चुकी है। एडमिशन नोटिस में यहाँ पे बच्चों 2 चीजें लिखी गई हैं। आप देखो यहाँ पे सीएसके हिमाचल का नोटिस है। पहला यहाँ पे लिखा है फॉर एंट्रेंस टेस्ट बेस्ट एडमिशन, क्लियर। आप यहाँ पे देखो पहला प्रोसेस है फॉर एंट्रेंस टेस्ट बेस्ट एडमिशन, दूसरा है फॉर मेरिट बेस्ट एडमिशन, आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब बात करते हैं कितनी सीटों पर एंट्रेंस होगा, कितनी सीटों पर मेरिट बेस होगा, कैसे अप्लाई करना, सब कुछ बात करूंगा। तो ये आईसीआर के अंडर की कॉलेज है। सबसे पहले नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लेते हैं। 2 टाइप्स की सीटें यहाँ पे। पहला है बच्चों हमारा एचपी बोनाफाइड। एचपी बोनाफाइड का क्या मतलब है? एचपी बोनाफाइड का मतलब है कि जो बच्चे हिमाचल प्रदेश से हैं उनके लिए अलग सीट है, बाकी जो बच्चे अदर स्टेट से उनके लिए पेड सीट है। ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश के बच्चों के लिए रेगुलर सीट है। वेटनरी साइंस में टोटल 36 सीट है। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में हिमाचल प्रदेश के बच्चों के लिए 34 सीटें हैं। इसी प्रकार से अदर स्टेट के बच्चों के लिए जो पेड सीट है वो 68 है, यानी इन 68 सीटों पे आप एडमिशन ले पाओगे जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, जैसे बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, है ना, इन सारे स्टेट के बच्चे, यानी हिमाचल प्रदेश के बाहर के बच्चे डायरेक्टली इस सीट पे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है सब कुछ बात करूंगा बच्चों। आपको सबसे पहले बता दूं कि एडमिशन का प्रोसेस क्या होने वाला है, क्योंकि ये काफी ज्यादा बच्चे कंफ्यूज है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात कर ले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मैं आपको बताऊं, देखो यार वीडियो पूरा देखो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, साथ ही साथ मैं आपको कुछ और चीजें बताने वाला हूं जिससे कि आपको एडमिशन लेने में कोई भी दिक्कत ना हो, है ना, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलो बच्चों एडमिशन फी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि क्या एडमिशन फी रहने वाला, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप सभी का 2 टाइप्स का एप्लीकेशन फी है। सबसे पहला फी है जो हिमाचल प्रदेश के बच्चे हैं उनके लिए एप्लीकेशन फी अलग है, प्लस यहाँ पे आप लोग देखोगे यहाँ पे लिखा है नॉन एचपी बोनाफाइड स्टूडेंट, दैट्स मीन की हिमाचल प्रदेश के बाहर के बच्चे। देखिए अगर आप बीबीएससी के लिए अप्लाई करते हो या फिर किसी एक पर्टिकुलर कोर्स के अप्लाई करते हो तो आपको 2000 रुपए फी पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 2 कोर्स के अप्लाई करते हो, यानी अगर आप चाहते हो कि मैं बीएससी एग्रीकल्चर बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई करूं तो आपको 3500 रुपए पे करना पड़ेगा एप्लीकेशन फी। और ये जो नॉन एचपी के बच्चे हैं, मतलब अदर स्टेट के बच्चे हैं, ये ओनली एलिजिबल फॉर एडमिशन अगेंस्ट एसएफएस सीट, दैट्स मीन कि आपको केवल सेल्फ फाइनेंस की सीटें ही दी जाएंगी, मतलब कि पेड सीटें ही मिलेंगी। क्लियरली यहाँ पे लिखा है कि अदर स्टेट कैंडिडेट और एलिजिबल फॉर एडमिशन अगेंस्ट एसएफएस सीट, मतलब कि केवल पेड सीट पे ही एडमिशन मिलेगा। और किसको एडमिशन मिलेगा वो भी बात करेंगे। तो भाई उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले कि आपका क्या पेड सीट का फी रहने वाला है। फी जानना बहुत जरूरी है ना। देखो बच्चों यहाँ पे 2 टाइप्स की फीस है। एक गर्ल्स के लिए है, बीपीएल गर्ल्स के लिए, जो कि नॉन एफएसएफ यानी कि हिमाचल प्रदेश और अदर स्टेट दोनों बच्चों के लिए अप्लाई होगा। दूसरा है बॉयज के लिए जो कि अदर स्टेट के हैं,
देखो अगर वेटनरी साइंस की फी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के बच्चों के लिए वेटनरी साइंस की फीस है 46,718 रुपए, बाकी पेड सीटें 54,000 रुपए। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे हिमाचल के बच्चों के लिए फीस है 26,918 रुपए और जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए फीस है 66,918 रुपए। तो यहाँ पे कंप्लीट फी का स्ट्रक्चर दिया गया है। सेम थिंग एमएससी एग्रीकल्चर में भी अप्लाई होगा, वहाँ भी 71,000 रुपए लगेंगे पेड सीट के लिए। तो ये पेड सीट की फी है। इसके पहले आप सभी को बता दूं कि जिन बच्चों को काउंसलिंग में हमारी हेल्प की नीड है ना, हमने अपना काउंसलिंग प्रोग्राम लास्ट ईयर की तरह इस साल भी काउंसलिंग टू कॉलेज 2.0 लॉन्च कर दिया है। लास्ट ईयर 702 में 637 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। वी अगेन लॉन्च अवर मोस्ट लवेबल एंड अट्रैक्टिव मेंटरिंग प्रोग्राम फॉर बीएससी एग्री एंड एलियॉट कोर्सेस इंडिया टॉप एग्रीकल्चर छोटी एडमिशन सीबीटी आईसीआर के साथ साथ यहां पे बच्चों आप सभी को कवर किया जाएगा। ऑल आईसीआर यूनिवर्सिटी प्लस इसमें आप सभी को जितने भी डायरेक्ट एडमिशन होंगे उन सारे कॉलेज को कवर किया जाएगा। क्या क्या आप सभी को बेनिफिट्स मिलने वाला है यहां पे, हमारी तरफ से आपको कोर्स वाइज प्रेफरेंस सेट मिलेगी है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सपोर्ट मिलेगा, कैरियर प्रोस्पेक्टस कॉलेज वाइज में हेल्प मिलेगी, आफ्टर एडमिशन में गाइडेंस दूंगा, नोट्स वगैरह मिलेगी आपको आफ्टर एडमिशन पढ़ाई के लिए, आईसीआर के हर एक कोर्स हर एक कॉलेज की इन्फॉर्मेशन दूंगा, ऑलवेज 24/7 कॉल चैट सपोर्ट मिलेगा, चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट बाय आईसीआर, कंप्लीट गाइडेंस दी जाएगी आपको और जूम कॉल के थ्रू आफ्टर काउंसलिंग ऑन टाइम काउंसलिंग डेली आपको गाइड किया जाएगा। 999 अभी इसका एप्लीकेशन फी, आप सारे बच्चे चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे ये सारी चीजें कवर की जाएंगी जिसमें कि सीबीटी के थ्रू होने वाले सारे कॉलेज को, आईसीआर के थ्रू होने वाले सारे कॉलेज की काउंसलिंग को, प्लस जितने भी डायरेक्ट एडमिशन होंगे इंडिया में उन सारे कॉलेज को कवर कराया जाएगा। लिमिटेड टाइम ऑफर है, बाद में ऑफर 4,14,999,14,99 का हो जाएगा। तो आप सारे बच्चे यहाँ पे डिटेल है ये पेमेंट आईडी का, आप यहाँ पे पेमेंट करके आप हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हो। इस स्कैन पे आप पेमेंट कीजिएगा, यहाँ पे आपको UPI ID मिलेगा, इस पे भी पेमेंट करके आप मुझे इस नंबर पे 6387833794 इस नंबर पे आप स्क्रीनशॉट सेंड करते हो, अगेन मैं आपको अपने काउंसलिंग प्रोग्राम्स में ज्वाइन करा लूंगा। तो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंटरशिप प्रोग्राम्स होती है। काउंसलिंग से कॉलेज तक 2.0 लॉन्च हो चुका है, सारे बच्चे इसका वेट कर रहे थे, फटाफट ज्वाइन कीजिएगा, मैक्सिमम बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि डायरेक्ट एडमिशन में आपको यहां पे सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाएगी एडमिशन के मामले में, कैसे क्या करना है वो सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं एडमिशन के प्रोसेस के बारे में। देखो बच्चों दो प्रोसेस है, पहला प्रोसेस है कि आप डायरेक्टली सीयूटी आईसीआर के स्कोर कार्ड को यहाँ पे अपलोड करके एडमिशन ले सकते हो। दूसरा प्रोसेस है कि आपको कम्युनिटी साइंस बीएससी मैथमेटिक्स बीएससी जूलॉजी बीएससी ऑनर्स फूड टेक्नोलॉजी इन सारे कोर्सेस में जो भी अदर कोर्सेस हैं इसमें आपको एडमिशन मिलेगा पक्का, लेकिन वो मिलेगा 10+2 के बेसिस पे। देखो यहाँ पे लिया है इन्फॉर्मेशन ब्रोचर एंड प्रोस्पेक्टस फॉर मेरिट बेस्ड एडमिशन, आपको दिखा देता हूँ एक बार ताकि आपको क्लियर हो जाए, बाद में किसी बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत ना रहे, है ना। चौधरी सरवर कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है और यूनिवर्सिटी का लोकेशन काफी अच्छा है, प्लस यहाँ पे आप सभी को ट्रॉपिकल एरियाज के इन्फॉर्मेशन के लिए भी काफी अच्छी स्टडी वगैरह कराई जाएगी। बायोटेक के लिए भी एडमिशन ले सकते हो, मेरिट बेस्ड एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, आप सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है किन कोर्सेस पे ये सब कुछ मैं आपको अपने पेड काउंसलिंग गाइडेंस में सब कुछ आराम से प्रोवाइड करा दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो बच्चों आप सारे बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक मैंने मेंशन कर रखा है, आप जाकर वहां पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, है ना। सब कुछ वेबसाइट पे भी मेंशन है, बट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे पास आकर अपनी हेल्प ले सकते हो। लास्ट डेट की बात करें तो ऑनलाइन मोड में आपका 26 जून तक ये एप्लीकेशन फॉर्म रात के 12 बजे तक फिलअप किया जाएगा। 10 जुलाई से आपका काउंसलिंग होगा, उसके बाद 19 जुलाई से रजिस्ट्रेशन होगी काउंसलिंग के लिए। कुल मिलाकर जुलाई में आपका काउंसलिंग कराया जाएगा, जो बच्चे पेड सीट पर एडमिशन लेंगे या डायरेक्ट मेरिट बेस पर एडमिशन लेंगे, ठीक है। नॉर्मल फी बच्चों अलग अलग चीजें हैं, आप लोग सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो। हालांकि और इन्फॉर्मेशन चाहिए आइए आप हमारी पेड काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। उस पेड काउंसलिंग में मैं कंप्लीट आपका आईसीआर का भी काउंसलिंग कराऊंगा, कंप्लीट सीयूटी का भी काउंसलिंग कराऊंगा और आपको एक्स्ट्रा अगर नीड होगी तो आपको डायरेक्ट एडमिशन में भी कंप्लीटली हेल्प मिलेगा हमारी तरफ से। हमने आपको एक और आइडिया दे रखा है कि कैसे एडमिशन होगा। एडमिशन आपके सीयूटी आईसीआर स्कोर के बेसिस पे भी होगा, बीएससी एग्रीकल्चर वेटनरी में नीट के बेसिस पे, एग्रीकल्चर फूड टेक्नोलॉजी में सीयूटी आईसीआर स्कोर के बेसिस पे, बाकी जो पेड सीटें हैं उन पे आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ योर 10+2 स्कोर। हालांकि पेड सीट जिसको SFS बोलते हैं उसकी एप्लीकेशन फी थोड़ी सी ज्यादा है ना। तो सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हो, अदर स्टेट के बच्चे भी और हिमाचल प्रदेश के बच्चे भी।
हमने आपको हर एक चीज इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है, बाकी चीजें आप हमारी पेड काउंसलिंग गाइडेंस में ले सकते हो। नीचे आपको मेरा नंबर शो कर रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर, आप यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। अभी फिलहाल आई रिक्वेस्ट टू ऑल कि कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि कॉल में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। थैंक यू सो मच आप सभी को, ऑल द बेस्ट फॉर योर सीयूईटी स्कोर कार्ड। थैंक यू सो मच। इन फ्यूचर जो भी एडमिशन होंगे ऑन द बेसिस ऑफ 10+2, आप सभी को सारी एडमिशन की गाइडेंस हमारे यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स पे मिलती रहेगी। कोई भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या कोई भी एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल आपको जितना अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ ICER के बारे में, डायरेक्ट एडमिशन के बारे में, या CUET में एग्रीकल्चर एडमिशन के बारे में, आप मुझे लाकर दिखा दो कोई अगर आपको अपडेट दे रहा हो तो। यार यूट्यूब पे बहुत सारे बंदे हैं लेकिन सब कॉपी कट वाले हैं, इवन मेरे काउंसलिंग प्रोग्राम्स को लोग कॉपी कर रहे हैं। यू डोंट नो बच्चों की जो काउंसलिंग प्रोग्राम्स में जो जो बेनिफिट्स मैं दे रहा हूँ, सेम यही चीज अपना नंबर चेंज करके अपना बना दे रहे हैं। तो ऐसे घटिया लोगों से बच के दूर रहो। बाकी अगर मुझे पता चला ऐसे लोगों के बारे में तो उनको भी मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि मैं अगेंस्ट उनके एक्शन लूंगा। और वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे फर्जी लोग हैं यूट्यूब पे जो कि पढ़ाई कर रहे हैं बीटेक का, बीए का, बीएससी मैथ है ना, और वीडियो बना रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए जिन्होंने कभी खुद ICER एग्जाम नहीं दिया है। कोई बात नहीं, आप लोग की जिम्मेदारी, आप लोग क्या करते हो डिपेंड ऑन यू कि आप लोग क्या करना चाहिए आपको। फिलहाल हमारा काम है अपडेट देना, हमने आपको अपडेट दे रखा है। अगर आप सभी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट, बाय बाय। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे इंपॉर्टेंट लिंक मेंशन है बच्चों। थैंक यू सो मच, जय हिंद।